नगर निकाय चुनाव का घमासान मचा हुआ है। यहाँ के मदहा कस्बा के कुछ प्रत्याशी का हम इंटरव्यू करना चाहते हैं, जो बीएसपी से हैं, कि उनके क्या वादे होंगे और क्या मुद्दा होंगे चुनाव लड़ने के। हमारे चुनाव लड़ने के सपने 2007 से थे, लेकिन उस समय जब मैं डिग्री कॉलेज का अध्यक्ष था तो 2007 में मेरी एक साल एज कम पड़ गई थी। उस वजह से जब 2012 में मैंने चुनाव लड़ना चाहा तो बैकवर्ड सीट हो गई। फिर 2017 में चुनाव लड़ना चाहा तो सीट ऐसी हो गई। इसलिए मुझे 20 साल बाद मौका सरकार ने चुनाव लड़ने के लिए दिया है। लगभग 20-21 साल हो गए मुझे समाज सेवा करते करते। आपने बीएसपी ही क्यों चुना? बहुजन समाज की विचारधारा मेरी विचारधारा मिलती है। बहुजन समाज का जो मुख्य उद्देश्य है, गरीबों को काम मिले, बहुजन समाज को रोजगार मिले, बहुजन समाज की समस्याएं दूर हों। आजकल बहुजन समाज के लोग भाजपा के शिकार हो गए हैं, केवल वोट देते हैं और SC ST जो मुकदमा लिखा जाता था भाजपा सरकार में एक भी मुकदमे नहीं लिख रहे। टिकट के लिए मैंने प्रयास, यहाँ के जो कोऑर्डिनेटर हैं, मुख्य कोऑर्डिनेटर लाला राम जी, बलदेव वर्मा जी और मुख्य रूप से जो बहुजन समाज के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने हमारे लिए रात दिन प्रयास कर करके माननीय बहन जी तक आवाज़ उठाई कि टिकट उस व्यक्ति को दीजिए जो समाज से जुड़ा है, जो सामाजिक काम करता है। बहुजन समाज पार्टी बदनाम देगी, पैसे लेते हैं, पैसे लेके टिकट बेचते हैं, लेकिन मुझे तो नहीं लगा बहुजन समाज पार्टी ने मुझ जैसे गरीब व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया, तो मुझे तो नहीं लगता बहुजन समाज पार्टी टिकट बेचती है। इसलिए मुझे टिकट मिला है और बहन जी ने फ्री टिकट दिया है और माननीय बहन जी का बहुत बहुत आभार है कि मुझ जैसे गरीब व्यक्ति को मैदान में उतारा। क्या आपके परिवार में पहले से कुछ राजनीति में थे? नहीं, देखिए हम बहुत गरीब परिवार से हैं। हमारे पिताजी खेती करते रहे हैं, हम कोई राजा महाराजा परिवार से नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग ने इस तरीके से शिकंजा कसा है कि ज़्यादा खर्च ना कर सके प्रत्याशी, उसने 9 लाख की अवधि दी है, तो हमारे जितने भी दोस्त हैं, साथी संगाती हैं, सब लोग मिल करके पैसा खर्च करेंगे, हम लड़वा रहे हैं, तो इसलिए हमें ज़्यादा पैसे का आभास नहीं होता कि हमारे पास पैसा नहीं है। हमारे साथी, हमारे सभी दोस्त जितने हैं सब मिल करके चुनाव लड़ा रहे हैं, तो हम चुनाव फेस कर रहे हैं, नहीं वरना हम चुनाव लड़ने की भी औकात नहीं थी हमें। देखिए, अगर पहला काम जनता ने मौका दिया तो मेरा पहला काम है बड़े चौराहे से स्टेशन तक जो मुख्य मार्ग है हम लोग का, उसमें बहुत जाम की समस्या है। दुकानें लोग रोड पे रखे हैं, अंदर की दुकानें खाली हैं, तो मेरा मुख्य उद्देश्य यह है कि बड़े चौराहे से स्टेशन मार्ग तक बीच में डिवाइडर पतला सा, जो हमारे इलेक्ट्रिक के पोल खड़े हैं अगल बगल, इनको बीच में करा करके डिवाइडर अगल बगल करके हम स्टेशन तक ले जाएंगे, और साथ ही साथ चौड़ीकरण रोड का कराना। जब हम अतिक्रमण सरकार से आग्रह करेंगे कि अतिक्रमण हो, तो उसके साथ रोड भी बनना चाहिए अगल बगल, तो अगल बगल रोड बनवा करके खंबा बीच में डिवाइडर करवा करके हम जनता को जाम से समस्या से निजात दिलाएंगे। मेरा मुख्य उद्देश्य है चौड़ीकरण रोड का। वैसे भी कई योजनाएं चल रही हैं पानी के विषय में, क्या लगता है कि योजनाएं से पानी नहीं जनता तक पहुँचता? देखिए, योजनाएं तो चलती है लेकिन कागज में ज़्यादा चलती रहती हैं। योजनाओं की वजह से जनता का अभी कोई लाभ नहीं मिल पा रहा। जनता को लाभ तभी मिलेगा जब नगर पालिका को सरकार पैसे देगी और जो चेयरमैन है वहाँ के नगर पालिका के, वो समस्या जन जन तक पहुँचाएंगे, तब जनता को पानी की समस्या दूर हो पाएगी। बाकी योजनाएं आती हैं कागज़ में, बहुत सी सारी योजनाएं चलती हैं, बुंदेलखंड जल निधि योजना चली जिससे आज भी लाभ नहीं हो पाए, तो सरकार से हम लोग आग्रह करेंगे कि डायरेक्ट पैसा योजना में नगर पालिका को दें पानी के लिए। जब डायरेक्ट पैसा नगर पालिका को आएगी तो वार्ड का सभासद है, वो जानता है किस मोहल्ले में पानी नहीं आता,
नगर का चेयरमैन है वो जानता है कि इस मोहल्ले में पानी नहीं आता, तो डायरेक्ट पैसा जब चेयरमैन को मिलेगा तब वो जनता से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है, उसको एक एक नॉलेज होती है। अब योजना दे देते हैं अधिकारियों को, अधिकारी को ये नहीं पता कि रामदास का मकान कहाँ है, श्यामदास का मकान कहाँ है, पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा, और चेयरमैन को सब नॉलेज है, वहाँ के सभासद को सब नॉलेज है। तो जब डायरेक्ट पैसा हमें मिलेगा तो तुम पब्लिक में खर्चे करेंगे, तब नगर पालिका में समस्या दूर होगी पानी की। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।